दोस्तों, राधे राधे, राम राम सभी को। आप कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। तो ये मैंने लिया आधी किलो कटहल। तो आज मैं कटहल बना के दिखाती हूँ। तो कैसे कटहल बनाते हैं, तो वीडियो में बने रहना। गैस अभी रख दिया मैंने इसके ऊपर कढ़ाई। तो कढ़ाई में गिर देती हूँ मैं ऑयल। गिर दिया मैंने जीरा। तेल गर्म हो गया और मैं कटहल धो लाई हूँ। पता नहीं कैसी कटहल पीली पीली हो रही है। मैं तो कभी लेती नहीं हूँ, पता नहीं कैसी हो रही है। अंधेरे में लाइट भी ऐसी लगाए रखे हैं, पता नहीं कैसी। भूनने के लिए थोड़ा सा मैंने इसकी डाल दी, अंदर डाल दी कटहल को। अच्छे से मैं भून लेती हूँ तेल में, तो आपको दिखाती हूँ। कटहल मेरी भून गई है अच्छे से। अब मैं इसमें ग्रेवी तैयार करूँगी। दो टमाटर और 3 हरी मिर्च लेके ये अच्छे से मेरी कटहल भून गई है। थोड़ी थोड़ी ब्राउन भी हो गई है। इसको मैं गैस को बंद कर देती हूँ। और इसमें फिर कढ़ाई चढ़ा दिए। इसमें गिर देती हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हो गया तो इसमें गिर देती हूँ थोड़ा सा जीरा। पूरा चल रहा तो उसकी वजह से आपको कम आवाज आएगी। इसको जीरा, ये कर मैंने नमक मिर्च मसाले के लिए टमाटर में के लिए नमक मिर्च मसाले। मैंने गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, नमक मैंने डाल लिया टमाटर में। अब मेरा ये जीरा होने वाला है तो इसमें डाल देती हूँ मैं ये सब मसाला। मेरा पक गया है बिल्कुल। तो अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ कटहल। हम अच्छे से चला देते हैं। मसाले मैंने एकदम वो मिला दिए, मिक्स कर दिया एकदम। तो अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो वीडियो में बने रहना। गाइस एकदम सब्जी बनके रेडी है और ये मैंने लंच बॉक्स में पैक कर रही हूँ। और अभी मैं रोटी बनाने जा रही हूँ लंच के लिए। तो अगर जो हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और आप सभी को राधे राधे।